साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवनीत राणा और रवि राणा का हनुमान चालीसा विवाद क्या है, आखिर क्यों ऐसे वीडियो सामने आते हैं, आखिर ऐसे विवाद सामने आने की असली वजह क्या है, क्या सच्चाई है, इस तरह की खबरें मीडिया में हाईलाइट की जाती है। इन सभी सवालों का मैं जवाब दूं, उससे पहले साथियों हम जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हनुमान चालीसा विवाद मामले में गिरफ्तार चल रहे नवनीत और रवि राणा को फिलहाल मुंबई की सेंसेंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दोनों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से सुनवाई को टाल दिया गया है। अब इस मामले में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। साथियों, अब यह भी जान लेते हैं कि ये नवनीत राणा आखिर है कौन। तो साथियों, आपको बताते हैं, मुंबई में जन्मी नवनीत राणा एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी और मलयालम फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। बताया जाता है कि योग गुरु रामदेव के एक योग शिविर में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई थी। 2011 में नवनीत और रवि ने शादी की। दोनों ने 3100 और जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी। इस शादी में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और योग गुरु रामदेव भी शामिल हुए थे। इंटरेस्टिंग यह है कि रवि रिश्ते में रामदेव के भतीजे लगते हैं। रवि अमरावती जिले के बादनेरा से विधायक हैं। तो साथियों, अब आपने ये तो जान लिया कि नवनीत राणा और रवि राणा कौन है, लेकिन अब इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि इनका हनुमान चालीसा विवाद क्या है। तो साथियों, आपको बता दें, इंडिया टुडे में छपी खबर के अनुसार नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे से मांग की थी कि हनुमान जयंती पर वो अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। रवि राणा ने कहा था कि अगर ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं तो नवनीत राणा सीएम के घर मातोश्री के बाहर खुद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। नवनीत राणा ने 23 अप्रैल की सुबह 9 बजे मोतीश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन 23 अप्रैल की सुबह से ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे देखते हुए राणा दंपति ने अपना ऐलान वापस ले लिया। हालांकि पुलिस ने उसी दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 24 अप्रैल को उन्हें बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। तो साथियों, बात करते हैं कि आखिर ऐसे विवाद मीडिया में सामने आते क्यों हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इस तरह की जितनी भी घटनाएं मीडिया में हमें देखने को मिलती है, ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मीडिया और इन नेताओं द्वारा प्री प्लान कार्यक्रम होता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को मीडिया में प्राथमिकता दे करके जमीनी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। यहाँ पर जनता को समझने की जरूरत है कि नवनीत राणा और रवि राणा जैसे नेताओं के, जो हजारों नेता हैं, उनके बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हमेशा जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं और मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तमाम प्रिंट मीडिया ने यह खबर अपने प्रथम पृष्ठ पर लगाई है। इस खबर को प्रथम पृष्ठ पर लगाने का क्या औचित्य है? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं है? क्या देश में रोजगार की मुद्दों को प्रथम पृष्ठ पर नहीं छापा जा सकता है? देश के अंदर कानून व्यवस्था कितनी भयावह है, ऐसी खबरों को प्रमुख पृष्ठों पर नहीं छापा जा सकता है? देश की एक बहुत बड़ी आबादी महंगाई की मार झेल रही है, मात्र कुछ पूंजीपतियों को या उच्च आय वाले परिवार को छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा देश महंगाई की चपेट में। इन खबरों को मीडिया प्राथमिकता से क्यों नहीं दिखाता है? तो साथियों, समझना आपको है, ऐसे नेताओं के बिजुल के बयानों पर ध्यान नहीं देना है। आप अपनी मांग जायज बनाए रखें, अपने नेताओं से पूछें कि महंगाई का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, शिक्षा का क्या हुआ, स्वास्थ्य का क्या हुआ, इन मुद्दों को बनाए रखें। मीडिया का तो काम है
जनता के ध्यान को भटकाना इन तमाम षड्यंत्रकारी नेताओं के साथ मिलकर। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।